जानिए अंकों से जुड़े कुछ अंधविश्वास। यह वाकई बड़ी अजीब बात है कि अंकों के साथ कितने वहम जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए हर तीन का अंक मनहूस माना जाता है, इसलिए तीन आदमी मिलकर कोई काम आरंभ नहीं करते, या तो वे दो होते हैं या चार। हालांकि तीन का अंक इतना मनहूस या बेकार नहीं। हिंदू त्रिमूर्ति में तीन बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जबकि ईसाइयों की त्रिमूर्ति परमात्मा, परमात्मा का बेटा और होली घोस्ट पर आधारित है। शंकर भगवान के तीन नेत्र हैं। उनमें से तीसरा नेत्र जो माथे में है, जब खुलता है तो प्रलय आ जाती है। यूरोप में 13 का अंक अत्यंत अशुभ समझा जाता है। कहते हैं इस वहम की शुरुआत इस प्रकार हुई थी कि यीशु मसीह ने सलीब पर लटकाए जाने से पहले अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम खाना खाया था। उसके बाद उनके एक शिष्य, जिसके नाम के 13 अक्षर थे, ने उन्हें धोखा देकर शत्रुओं के हवाले कर दिया था। उस दिन से 13 का अंक अत्यंत मनहूस समझा गया। कोई व्यक्ति होटल के कमरा नंबर 13 में ठहरना पसंद नहीं करता, बल्कि बहुत से होटलों में 13 नंबर कमरा ही नहीं होता। इसी प्रकार कोई बीमार नहीं चाहता कि उसे किसी अस्पताल में 13 नंबर के कमरे में रखा जाए। उसका ख्याल होता है कि उसकी वहां अवश्य मौत हो जाएगी। महीने की 13 तारीख को कोई नया काम आरंभ नहीं किया जाता, क्योंकि यह समझ लिया जाता है कि उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। कोई व्यक्ति 13 तारीख को विवाह नहीं करना चाहता। काबूजिया, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर की योजना तैयार की थी, उन्होंने किसी सेक्टर का नाम 13 नहीं रखा था। 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान माउंट एवरेस्ट को जीतने के लिए चलाया गया। उसमें 13 देशों के नागरिक शामिल हुए, मगर वे अपने मिशन में बुरी तरह असफल रहे। हैरानी की बात यह है कि विज्ञान के आश्चर्यजनक विकास के बावजूद अभी तक लोग वहम से मुक्ति नहीं पा सके। इसके अलावा 7 का अंक जादू के साथ जोड़ा जाता है। मंत्र को 7 बार पढ़कर किसी चीज की सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है। पुराने समय राजा हुआ करता था, उसकी सदा 7 रानियां हुआ करती थी। जब परिवार कल्याण अस्तित्व में नहीं आया था, 7 बच्चों को बड़ा भाग्यशाली समझा जाता था।